एक अफवाह ये कि आपको कॉकरोचेज इतने अच्छे लगते हैं कि आप उन्हें प्यार से कोको बुलाती हैं. व्हाट? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं अच्छे लगते, लेकिन अगर आपको अच्छे लगते, I love them. I mean, आपको क्या लगता है मुझे कॉकरोचेज पसंद है? अगर आपको पसंद है, I will adopt them. अगर आपको नहीं पसंद है तो फिर मुझे भी नहीं अच्छे लगते. पर ये is it true or not? कपिल, आपको क्या लगता है? हाँ. आप जानते हो ना मुझे? कहाँ इतना जानता होता तो ये नहीं. मुझे कॉकरोचेस बिल्कुल पसंद नहीं है. नहीं पसंद है तो ये फायर रबिश. ओके, कन्विंसिंगली बोलो. रबिश. और जोर से बोलो. गोली मार दो जिसने ये अफवाह फैलाई है. एक अफवाह ये कि आपका और रणबीर का शू साइज सेम है, इसलिए आप दोनों जूते अदल बदल के पहनते रहते हैं. ये भी सच है. हैं? ओके. दीपिका, एक अफवाह ये है कि बचपन में आप सांप सीढ़ी खेलते हुए, जब भी आप सीढ़ी चढ़ती थी तो आपको सांप काट लेता था और आप शू करके नीचे आ जाती थी, इसलिए आज तक आप सीढ़ी चढ़ने से डरती हैं. मैं नहीं मानता ये बात को. मुझे हाइट से डर है, थोड़ा बहुत. हाइट से? तो आप तो खड़ी खड़ी ऊपर से नीचे देखिए तो आपको डर लगता होगा ना. मुझे पता था ये बोलने वाला है. पता था ये. पर दोनों चीजें अलग है. ओके. यू नो देयर हाइट से फोबिया मुझे भी है. कितने अच्छा? विचार मिलते हैं हमारे. मुझे भी बहुत डर लगता है हाइट से. इट्स टू लेट कपिल, इट्स टू लेट, मच टू लेट. सरकार भले ही बन गई हो, हम अपने विचार भी ना रखें. अभी ओके, लास्ट अफवाह है. आपने बहुत सारी हिस्टोरिकल फिल्में की हैं, पीरियड फिल्में करके आपको राजा महाराजाओं के साथ रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि आपने बॉडीगार्ड भी ऐसा ढूंढा है जिसका नाम महाराजाओं जैसा है. क्या है उनका नाम? जलालुद्दीन. ये आपके स्टाफ में कौन है? जलालुद्दीन. जलाल. कहाँ है? आए अंदर. जलालुद्दीन कहाँ है? कहाँ है जलालुद्दीन? हाजिर हो. हाजिर हो जलालुद्दीन. ये कैसा बॉडीगार्ड जो आपके साथ ही नहीं, आसपास ही नहीं है? जलालुद्दीन, आई एम बेटर देन यू. मैं देखो इसके साथ खड़ा हूँ. हाय बोलो सबको. हेलो जलालुद्दीन, मुझे अपना नंबर दे के जाना. जरूर सर. आपका नाम बोलो. फुल नेम जलालुद्दीन शेख. वाओ, जलालुद्दीन शेख बड़ा प्यारा नाम है. जलालुद्दीन कैसे हो? इतना प्यार है. दीपिका को प्रोटेक्ट करता है मेरा भाई. दीपिका का अच्छे से ध्यान रखना आप. किसी को पास मत आने देना. आपको भी नहीं. रणवीर को भी नहीं. मेरे को बोल रहे आपको भी नहीं. थैंक यू जलालुद्दीन फॉर प्रोटेक्टिंग अवर लविंग दीपिका. गॉड ब्लेस यू. यहां से बड़े प्यार से मिलके गया, यही हम बाहर दीपिका के पास जाके धक्के मार के हटिए हटिए हटिए. सेल्फिश गाय. आई हेट दिस बॉडीगार्ड टाइप पीपल. अच्छा. ओह रियली? या मुझे रख लेती मैं तो 24 घंटे. अर्चना जी का तो काम ही है. आप आपको लगता है ये पहलवान है? लगता मतलब? कुछ भी बोलो. अरे आप नहीं यकीन तो इनकी वाइफ से पूछ लो, इनके हस्बैंड से पूछ लो. ओ आपको पता है DDLJ फिल्म आई थी ना? बोलो अभी. आई लव यू अर्चना जी, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी. पर धंधे की बात पे आते हैं. ऐसा है पता है DDLJ में जब परमीत सर ने जी काजल से शादी होने लगती है. हाँ. तो यश चोपड़ा साहब ने ऐसा सीन बनाया था कि शाहरुख खान को तुम उठा लेना. तो उठाते नहीं क्योंकि वो हीरो है. ये बाहर से शूटिंग देख रही, इनको पता नहीं, इन्होंने जाके शाहरुख खान को ऐसे उठा लिया. वो तो बाद में. अच्छा, आप सबने एक बात नोटिस की होगी, शादी से पहले दीपिका की जो फिल्में थे, टाइटल थे ये जवानी है दीवानी, कॉकटेल, लव आजकल, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, बड़े रोमांटिक. अभी हमने सुना है कि आप महाभारत कर रही हैं. ये महाभारत का आइडिया शादी के बाद क्यों आया आपको? ये पब्लिक का सवाल था, इन्होंने मुझसे कहा था कि आपसे पूछने के लिए. ये भी अफवाह है उसमें? नहीं नहीं, ये अफवाह नहीं है. तो ये तो हम आपसे पूछना चाहते हैं.
कि क्या शादी के बाद कि शादी के बाद महाभारत करने का आइडिया शादी के बाद ही क्यों आया? और अगर शादी के पहले होता तो क्या? बस कुछ नहीं कुछ नहीं. देखो दीपिका, ऐसा है, हमें ना बहाना चाहिए आपसे बातें करने का. अच्छा. मैं तो अगर आप कहें छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी, हम लोग ऐसे ही कुछ भी बोल सकते हैं. तो ऑल दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग, इट्स जस्ट रबिश थिंग्स बेबी. इट साउंड्स वेरी, मेरा दिल कर रहा है ऑडियंस को भेज दूं बाहर, जाओ अपना काम करो जाके. तूने कॉम्प्लीमेंट मिस कर दिया कपिल. कपिल दीपिका पेड यू कॉम्प्लीमेंट. व्हाट कॉम्प्लीमेंट? हां अभी शी सेड इट साउंडिंग वेरी स्वीट. थैंक्स दीपिका. आपको एक और बात बतानी चाहता हूँ. छपाक से दीपिका जो है वो एज ए प्रोड्यूसर भी लॉन्च हो रही है. हाँ, तो एज ए प्रोड्यूसर इनकी ये पहली फिल्म है. और रणबीर की जो फिल्म आ रही है 83, उसमें भी दीपिका प्रोड्यूसर है. वाओ. प्यार भी रणबीर से, शादी भी रणबीर से, पैसा भी उनकी फिल्मों पे लगा रही है. हम देश छोड़ जाएं? हमारे साथ कभी टाइम निकाल लेंगे, टिकटॉक ही बना लो. आज बनाएंगे टिकटॉक. चलो ठीक है. डन डन डन. अच्छा दीपिका, जब पहले कहीं शूट करने जाती थी ना, फिल्म का या टीवी शो का, कभी भी कहीं जाती थी तो रणवीर भी पहुंच जाते थे वहां पे. एक दो बार तो मैंने अपने सेट के बाहर भी देखा है. और मुझे लगा मेरे फैन है. मुझे क्या पता था मेरे काम खराब करने आ रहे हैं. दीपिका अभी भी ऐसे हैं रणवीर शादी के बाद? कहीं आप काम कर रही हो और वो फुर्सत में हो, फ्री हो, पहुंच जाते हैं? पहुंच जाते हैं. पहुंच जाते हैं. आज मैं जा रही हूं. दीपिका हमारी ना कुछ गृहणियों के सवाल हैं. उनका ये लगता है कि दीपिका सुपरस्टार है, बट क्या वो हमारे जैसे काम करती हैं? तो उन्होंने अपने कुछ सवाल भेजे हैं जो मेरे थ्रू मैं उनके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ. आपने कभी दूध वाले से खुद जाके दूध लेती हैं? यस. और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मांगा कभी? हाँ, पर कूपन देके. कूपन होते हैं आपके उधर? हमारे तो ऐसा लेके आता है, इधर अंडर आर्म में दबाया होता है, ऐसे डाल देता है, कोई कूपन नहीं होता है ना? कूपन. ये तो हमारे वाला एरिया. अब एरिया एरिया का फर्क है ना, ये रहती महंगे एरिया में. हमारे वाला जो आता है ऐसे दूध देता, अर्चना तो सीधा भैंस के निकाल देती है. एक बार ये गई, ये करती है सुबह सुबह बड़ा वाला बर्तन ले जाती है और दातुन करते करते देखती किसकी भैंस खुली कोई आस पास. एक बार ये भैंस का दूध निकाल रही थी, उसका मालिक आ गया. हाँ. इन्होंने भैंस उठाई इधर रख के भाग. इनका तो काजू गिर गया था जूहू बीच पे. तो ये तैर के गई दादर से निकली बात. और बात यहीं पे खत्म नहीं होती. हाँ. वो आगे काजू चलता चलता किसी आदमी के मुंह में चला गया और दादर में जब ये बाहर निकली आदमी को यहां से पकड़ा हुआ था. कहते निकाल बात, निकाल काजू. तेरी इमेजिनेशन ना. काजू के साथ साथ उसके गले का कौवा भी खींच लिया. बोलती भैया डरने की बात नहीं, मैं अपना सामान लेके ये छोड़ दूंगी. ओके लास्ट, अपने हस्बैंड की जेब से चुपके से पैसे निकाल ले. अच्छा आप भी छुपके निकाल लिया करो, हाथ मरोड़ने की जरूरत नहीं होती. लेकिन मैं वैसे दुनिया की चीजें हम वो भी हो सकते थे. वो कपूर शर्मा वो क्या होते हैं, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो चार लोग उसको क्या देते हैं? कांदा. कांदा 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 कांदा. धनिया की जगह हम कांदा भी हो सकते थे, लेकिन अगर मैं कांदा हो जाते तुम मेरे को अफोर्ड नहीं कर पाते ब्रो. कांदा बहुत महंगे हो गए. बहुत महंगे. मैं खाली ब्रो को बताना चाहती कि ब्रो तुम इतना मेहनत करके अभी खाली क्या 100 क्रॉस किए, तो कल का उगा हुआ कांदा को देखा हो 150 क्रॉस कर गए हो. वैसे सोनी साहब मैं ये जो बात बोले ना इसको काटना नहीं. क्या है कि काट दोगे तो लोग रोने लगेंगे. क्यों? एक प्याज को काटेंगे तो लोग रोएंगे ना. अच्छा तो क्या कांदा प्याज पैसे दे लेगी दीपिका? आई उनसे तो कोई बात कर अच्छी सी.
उनसे जो अच्छा ढंग का बात तुमको करना चाहिए वक्त पे वो तो तुम किया नहीं, अभी मैं क्या बात करेंगे? ओए लहू मुंह लग गया, लहू मुंह लग गया, लहू मुंह। अच्छा चल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।